नागपुर के रेशमबाग मैदान में उत्सव भारत अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल फर्नीचर इंटीरियर कंज्यूमर और लाइफस्टाइल एक्सपो 2024 बड़े धूमधाम से शुरू हो गया है। यह 18 से 27 अक्टूबर तक चलने वाली प्रदर्शनी ऑटोमोबाइल फर्नीचर इंटीरियर और लाइफस्टाइल के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक खास मौका है। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड्स अपने नवीनतम उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। उत्सव भारत अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल फर्नीचर इंटीरियर कंज्यूमर और लाइफस्टाइल एक्सपो 2024 नागपुर के लिए एक बड़ा आयोजन है, जहां नई नई तकनीकों और उत्पादों का प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शनी का समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक तय किया गया है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता, व्यापारी समूह और इनोवेशन में रुचि रखने वाले लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यह आयोजन नागपुर के लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी हिस्सा ले रही है। इस तरह के आयोजन से न केवल व्यापारी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों को नई नई तकनीकों और उत्पादों से परिचित होने का अवसर भी मिलेगा। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, मैं कश्मीर से आया हूँ, कश्मीर श्रीनगर से। तो हमारे पास जो भी आइटम है यहाँ पे और पश्मीना स्किल्स है, कश्मीर स्किल्स है, कश्मीरी शॉल है, और उसके बगैर भी बहुत सारा आइटम है जो कि हमने यहाँ पे नागपुर से लिया है। तो ये लगभग आज हमको 10 दिन हो गए यहाँ पे, तो एग्जीबिशन जो स्टार्ट हुई है, जो अभी 2 दिन से एग्जीबिशन स्टार्ट हुई है, और जितना भी माल है हमारा, तो इसमें से 50% हमने कश्मीर से ही लाया है यहाँ पे। तो यही है बाकी। इस आयोजन में नागपुर और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और इस प्रदर्शनी में देश विदेश के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में भी यह एक्सपो नागपुर वासियों और व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। यह प्रदर्शनी 27 अक्टूबर तक चलेगी और सभी क्षेत्र के लोगों को इस अनूठे आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।